ओके तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्या है कि कुछ बेसिक बता देता हूँ। तो जैसे कि ऑप्शंस में अगर मैं आपको नीचे की ओर बताऊँ, तो जैसे मैंने सेट करके रखा है वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में जो है ये है ग्राउंड स्पीड। जो भी ग्राउंड में जो एयरक्राफ्ट का स्पीड होगा वो इधर देखेगा नॉट्स में। और उसके बाद मैंने सेकेंड नंबर पर जो रखा है वो मैंने डेस्टिनेशन रखा है। अभी तो फ़िलहाल मैंने दुबई का सेट करके रखा है। टेक ऑफ मुंबई से होगा और जो लैंडिंग है वो दुबई एयरपोर्ट पर होगा। इसीलिए टोटल जो डिस्टेंस है वो माइल्स में इधर दिख रहा है, और ऊपर जो है रनवे का नंबर देख रहे हैं कितने नंबर रनवे पर हम लैंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एल्टीट्यूड दिख रहा है जो कि MSL में मैंने सेट करके रखा है, जो कि अभी फ़िलहाल 44 फीट है। उसके बाद नेक्स्ट वे पॉइंट जो है वो दिख रहा है। नेक्स्ट वे पॉइंट मतलब अभी जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद इधर आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर में जो लाइन है, इस लाइन से एयरक्राफ्ट चलेगा। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इधर FMC पे क्लिक करके इधर आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये पूरा एक्टिव फ्लाइट प्लान है। ओके गाइज, और अभी देख सकते हैं आप कि ये जो है हमारा एयरक्राफ्ट अभी किस साइड पे है। आप इधर पूरा देख सकते हैं रनवे पे जूम करके। तो अभी जो है एयरक्राफ्ट वो एप्रोन में खड़ा है 404 पे। तो टेक ऑफ होगा रनवे नंबर 14 से, और उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट सीधा चल के इस वाले वे पॉइंट से जो कि MB053 है, उसके बाद से जाके इधर ONA GI पे इधर से जो है राइट को आ जाएगा। ओके, मैं आपको सीधी तरीके से बता रहा हूँ। उसका नीचे नेक्स्ट वे पॉइंट पर लिखा है। उसके बाद जो है फ्यूल है, मैंने फ्यूल सेट करके रखा है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, फिर एक एक ऑप्शन आ जाएगा। आप इधर से जो भी मर्ज़ी आप वो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि N1 हो गया, फिर फ्यूल फ्लो हो गया, कितना फ्यूल यूज़ हुआ है वो भी इधर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने क्या है कि फ्यूल रिमेनिंग पे दे दिया। अगर आप चाहें तो एयरक्राफ्ट लोड भी दे सकते हैं, जबकि एयरक्राफ्ट लोड कितना है कि नहीं है वो उतना देख के हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम जो अभी चलने वाला है वही मैंने इधर सेट कर रखा है, जो हमारा एक्टिव सब कुछ है। ओके गाइज, उसके बाद जो मैंने राइट सबसे लास्ट में जो सेट कर रखा है वो है लोकल टाइम। अभी तो मुंबई में क्या है कि इधर 10:30 कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैंने लोकल टाइम सेट कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर अराइवल टाइम, फिर एक्टिविटी टाइम, फिर कितना टाइम से ये फ्लाइट चल रहा है, मतलब गेम आपने ओपन किया था वो देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर फ्लाइट टाइम देख सकते हैं, क्योंकि अभी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ है इसलिए फ्लाइट टाइम इधर शो नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो लॉन्ग होने वाला है, तो आप शांति से आराम से जो है पूरा वीडियो देखिएगा, तो फिर आप जो है प्रो हो जाएंगे RFS में। RFS जो है बहुत ही बेसिक गेम है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कि इनफाइनाइट फ्लाइट हो गया, फिर एक्सप्लेन हो गया। उसमें तो खैर क्या कि बहुत टाइम लगता है एक फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए, तो RFS में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद राइट साइड में जो है सबसे ऊपर कम्युनिकेशन टैब है। इधर से आप सबसे पहले तो अगर आप प्रो यूज़ करते हो तो फिर आपको जो है इधर पैसेंजर जो वो मिल जाएगा। फिर और इधर आपको ATC के साथ बात करने के लिए एक और दो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप प्रो यूज़ नहीं करते तो फिर आपको सिर्फ चैट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप प्रो यूज़र नहीं है तो फिर जहाँ जहाँ पर मैं ये ATC और पैसेंजर को बताऊँगा वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अगर आप प्रो यूज़र है तो फिर आप पूरा वीडियो को देखिए। ओके, उसके बाद नीचे जो ये मास्टर कॉशन है, अगर आपके फ्लाइट में कुछ भी है, जैसे मान के चलिए ओवर स्पीड हो गया, फिर इंजन फेल हो गया, या फिर कुछ भी होगा, तो ये मास्टर कॉशन आपको अलर्ट कर देगा। फिर ये ग्राउंड सिस्टम है। ग्राउंड सिस्टम में जो है तीन इधर और इसके अंदर टैब है। एक हो गया सिस्टम में ग्राउंड पावर यूनिट हो गया। जैसे कि अभी जब आप फ्लाइट ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ये इंजन जब ऑन नहीं होता है, ऑन बंद रहता है, तब यही जो ग्राउंड पावर यूनिट है ये पूरा एयरक्राफ्ट को पावर देता है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आपको उतने बता रहा हूँ गाइज। और हालांकि ये जब ग्राउंड पावर यूनिट ऑन होता है तो एयरक्राफ्ट के जो नोज़ के नीचे एक ट्रक रहता है छोटा सा, वो जो है पावर देता है। उसके बाद AC ऑन कर देना है, और साइड वाला जो है ये पुशबैक का है, तो पुशबैक अभी हम नहीं करेंगे, पुशबैक करना होगा तब करेंगे। उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो ये लोड है, मतलब एयरक्राफ्ट में लोड करवाना होगा तो इससे करवा सकते हैं। तो लोड के ऑप्शन में दो आप देख सकते हैं, एक है फ्लाइट टाइम एस्टिमेटेड, कितना टाइम तक ये फ्लाइट चलेगा इतना सा फ्यूल में, तो कि 25 मिनट तक दिखा रहा है। और नीचे जो है इसका ग्रोस कितना वेट है अभी एयरक्राफ्ट को लेकर, वो सब कुछ अब इधर देख सकते हैं। अभी मान के चलिए कि अगर आपको पैसेंजर बोर्ड करवाना है तो आप गेट से भी करवा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप एप्रोन से भी करवा सकते हैं। ये क्या है कि दे देता है RFS में ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हमें अभी इधर पैसेंजर बोर्ड कराने के लिए पैसेंजर कॉल कर लेते हैं। तो इधर पैक्स डोर्स क्लोज जो है इसमें आपको ऑन टैप करना है। तो पैसेंजर अभी अगर आप एप्रोन से लेंगे तो देखिए ये बस आ चुका है, और जो एक
बस इधर से आपको पैसेंजर बोर्ड करना है, तो इस ट्रैक से होकर पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर बोर्ड करेंगे। और बोर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको इधर पैक्स में क्लिक करना होगा, या से आपको जो है इधर बोर्ड करवाना पे इधर मतलब आपका जब इधर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको स्लाइड को ऊपर कर लेना है। तो देखिए जो नंबर जो इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपको कम करना है तो फिर आपको स्लाइड को नीचे की ओर लेना है, ठीक है, मतलब होल्ड करके नीचे की ओर लेना है। तो अभी ये हमें बोर्ड करना है, तो इधर मैं बोर्ड कर लेता हूँ। ओके, तो हमने 164 पैसेंजर जो टोटल ले लिए, एयरक्राफ्ट फुल है, इसके ऊपर और नहीं जाएगा लिमिट। तो बोर्ड होने के बाद आप इसी के चलते आप जो है कार्गो में जो है बैगेज लगेज वगैरह ये सब भी लोड करवा सकते हो। देखिए ये लगेज का आ चुका है ट्रक, इस पर अभी आप वही सेम प्रोसेस है जैसे आपने पैसेंजर बोर्ड करवाया, ठीक वैसे ही आपको कार्गो भी बोर्ड करवाना है। बस इधर आपको टैप करके पकड़ के आपको ऊपर कर लेना है, आपको आसानी हो इसीलिए मैंने जो जेस्टर ऑन कर दिया है। उसके बाद आपको क्या है कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरना है। फ्यूल भरने के लिए आपको उसके नीचे फ्यूल ट्रक डिटैच इसमें क्लिक करना है, तो फिर ये आ जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगा एयरक्राफ्ट के साथ लग जाएगा, उसके बाद ये इधर रेडी का ग्रीन बटन आ जाएगा। तो आप इसको भी वैसे सेम प्रोसेस में आप इसको लोड करवा सकते हैं। ओके, और मैंने टाइम फ्रेम में भी दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उधर से भी जाके आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो आपको फ्यूल जो है गाइस वो पूरा फ्यूल फुल नहीं करवाना है, आपको उतना ही फुल करवाना है जितना का आपका फ्यूल लगेगा। और कितना लगेगा आपको कैसे पता चलेगा, तो जैसे मान के चलिए अब हमने मुंबई से लेकर दुबई तक का लिया है, तो इधर अभी पूरा दिखा नहीं रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है कि नीचे इधर आपको फ्लाइट का टोटल डिस्टेंस दिख रहा है, और ऊपर जो अगर आप लोड पे आएंगे तो फिर आपको सबसे ऊपर इधर देख सकते हैं आपके इधर 7.5 घंटे जो भी हमने फ्यूल लिया उतना तक ये चलेगा। अभी आपको टोटल टाइम आप चाहे तो रियल टाइम देख सकते हैं कि आप एक मेक माई ट्रिप या फिर कोई भी बुकिंग वाले वेबसाइट से जाके देखिए, या फिर फ्लाइट राडार से भी देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर दुबई तक का कितना टाइम में कवर होता है कोई भी फ्लाइट में, तो उस हिसाब से आप इधर जो है फ्यूल ले सकते हो। तो अभी मान के चलिए तो मुंबई से लेकर दुबई तक 3-3.5 घंटे में फ्लाइट पहुँच जाता है, तो मैं 4 घंटे तक का फ्यूल ले लेता हूँ, तो इसीलिए मैं फ्यूल कम कर रहा हूँ। अभी इधर देख सकते हैं आप, तो ये 3 घंटा 42 मिनट हो गया, तो बहुत कम है, तो फिर मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ फ्यूल, क्योंकि गाइस फ्यूल ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए और कम भी नहीं लेना चाहिए। ओके, तो उसके बाद क्या करना है कि आपको नीचे अगर जाएंगे तो ये इमरजेंसी स्लाइडर्स वगैरह है, तो ये तभी यूज़ किया जाता है जब इमरजेंसी होता है, मान के चलिए फ्लाइट क्रैश हो गया, तो ये रियल लाइफ में यूज़ होता है, गेम में तो खैर क्या है कि गाइस हर कोई क्रैश ही कर देता है, तो अगर क्रैश हो तो फिर आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पहले वाले में जो है ये एविगेशन स्लाइडर ऑन हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में एम्बुलेंस आएगा, फिर तीसरे वाले में जो है वो फायर ब्रिगेड वाला जो है व्हीकल आएगा, लेकिन कोई कुछ करता भी नहीं है। ओके, उसके बाद नीचे वाले जो टैब है इसमें एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आता है सिस्टम, उसके बाद आता है नीचे इंजन, फिर आता है लाइट्स, उसके बाद आता है फ्यूल, उसके बाद आता है चेकलिस्ट। तो आपको अगर मैं एक ईजिली बात बताऊँ तो आप चेकलिस्ट के हिसाब से भी चल सकते हैं। जैसे मान के चलिए प्री फ्लाइट में क्या है कि सबसे पहले आपको इधर पार्किंग ब्रेक सेट अगर सेट है तो फिर हाँ देखिए हमारे इधर सेट है, तो मैंने सेट पे क्लिक कर रखा है। उसके बाद APU ऑन, ये APU आपको तब ऑन करना है जबकि जब आप ACU मतलब ग्राउंड पावर यूनिट का यूज़ नहीं करते, तो फिर मान के चलिए आपने दे दिया। ओके, तो मान के चलना क्या है कि आपको APU ऑन करना है, किस टाइम ऑन करना है, जब आप एयरक्राफ्ट को पुशबैक करने वाले, जब एयरक्राफ्ट का पुशबैक करेंगे तब आपका ग्राउंड पावर यूनिट तो आपके साथ नहीं चलेगा ना, तो उसके बाद आपको APU ऑन करके इंजन ऑन करना है, फिर इंजन ऑन होने के बाद APU को ऑफ कर देना है, तो वह मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। उसके बाद नॉन स्मोकिंग साइन और सीट बेल्ट साइन ऑन करना है, ये कैसे करना है, ये करने के लिए आपको सबसे पहले इधर एयरक्राफ्ट सिस्टम में जाना, जाने के बाद आपको अगर इसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सिस्टम में ऑन रहता है, तो ये देखिए इधर आ गया सीट बेल्ट साइन, ये मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद है नॉन स्मोकिंग साइन, ये भी मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद फ्यूल क्वांटिटी जो आपको वो चेक करके लेना है, तो ये जैसे कि इधर आता है ग्राउंड पावर में, उसके बाद सॉरी ग्राउंड सिस्टम है, लोड में देखिए तो हमने फ्यूल जो है अपने हिसाब से ले लिया, तो चेक हो गया है। तो मैं इसको जो है इस एयरक्राफ्ट को भेज देता हूँ, काम खत्म इसका। तो भेजने के लिए बस आपको DHH पर क्लिक कर देना, तो ये अपने आप जल्दी है चला गया। ओके, उसके बाद आता है पैसेंजर डोर भी आप वैसे ही सेम टू सेम इनको भेज सकते हैं जब आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कार्गो डोर क्लोज, इनको भी क्लोज कर दीजिए। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट के साथ अभी कोई भी रिलेशन इनका नहीं है। और लोगो लाइट जो इधर जलता है, और ये जलाने के लिए आपको एयरक्राफ्ट सिस्टम में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करके लाइट्स पे लाना है, और ये देखिए लोगो लाइट इधर
शो हो रहा है, इसमें क्लिक कर दे रहे हैं। और ये तभी यूज़ होता है गाइस रात के टाइम पे। अगर आप कभी देखेंगे एयरपोर्ट में, तो फिर वो आपको जो दिन के टाइम पे लोगो लाइट ऑन नहीं होता है, तो सिर्फ रात को ही ऑन होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और चेकलिस्ट में आप चाहे तो टिक कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इधर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंजन स्टार्ट। इंजन स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्रो यूज़र है, तो फिर आपको अनाउंसमेंट वगैरह करना होता है। वो आप कैसे करेंगे, वो करने के लिए आपको कमांड सिस्टम को ऑन करना है। सिस्टम को ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले आप पैसेंजर अनाउंसमेंट कर दीजिए। पैसेंजर पे लेके आइए, आने के बाद आपको पायलट अनाउंसमेंट एक होता है और एक होता है क्रू अनाउंसमेंट। तो पायलट अनाउंसमेंट में आपको डिपार्चर में जाना है, क्योंकि आपका फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाला है। तो डुअर्स डिपार्चर जो है, इसको टिक करके क्या आता है, तो पहले सुन लीजिए आप। ओके, तो ये कैप्टन की तरफ से कैबिन क्रू को बोला जाता है। उसके बाद आता है प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ। ये तब होता है जब आप रनवे के और होते हैं और आप फाइनल टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो, तब होता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रू मेंबर्स में जाना है, क्रू में। उसके बाद आपको डिपार्चर, फिर बोर्डिंग का जो है इधर अनाउंसमेंट करना है। If you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead bin. Please take your seat and fasten your seat belt, and also make sure your seat back and folding trays are in their full upright position. If you are seated next to an emergency exit, please read carefully the special instructions card located by your seat. If you do not wish to perform the functions described in the event of an emergency, please ask a flight attendant to reseat you. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with, disabling or destroying the lavatory smoke detectors is prohibited by law. If you have any questions about our flight today, please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you. ओके, सो ये वाला अनाउंसमेंट जब कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आता है डोर क्लोजर। जब आप डोर क्लोज करेंगे, तो फिर ये वाला अनाउंसमेंट आपको करना है। उसके बाद आता है सेफ्टी ब्रीफिंग। ये आपको तब करना है जब आप टैक्सी करेंगे, या फिर आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइज, उसके बाद आपको जो मेन जो चीज़ होता है, वो होता है ATC के साथ परमिशन वगैरह लेना। लेकिन परमिशन लेके भी क्या है कि सब कुछ आपको इधर मिल ही जाता है। अरे बस, में ये बहुत ही ईजीली बहुत छूट है इसमें। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इधर ATC में क्या क्या, मैं आपको दिखा दूँ। इधर सबसे पहले आपको ATIS मिलता है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आता है ग्राउंड पावर, क्योंकि अभी आप ग्राउंड में हैं, तो फिर आपको ग्राउंड के साथ ही बात करके चलना है। उसके बाद आता है टावर। जब आप ऑनबोर्ड हो, मतलब इनबाउंड हो जाएंगे, तो फिर आपको जो है ये टावर का, आपको टावर के साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग ग्राउंड में हैं, तो ग्राउंड टावर ग्राउंड यूनिट के साथ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे क्लियरेंस लेंगे। Ground. Good day. Good day. Go ahead. At parking. Information. Lima. Read to copy. You are cleared to Oscar, Mike, Delta, Bravo, Via, Romeo, Alpha, X-Ray, Echo, 1, Charlie, Transition, Bravo, India, Sierra, Echo, Tango, 4000 feet. Contact when ready to start. Cleared to Oscar, Mike, Delta, Bravo, Via, Romeo, Alpha, X-Ray, Echo, 1, Charlie, Transition, Bravo, India, Sierra, Echo, Tango, 4000 feet, when ready to start. Redback is correct. ओके, सो गाइज, अभी आपको क्या करना है कि अभी हमें क्लियरेंस मिल चुका है, अभी हमें जब स्टार्टअप करना होगा, तब हमें इनसे बात करना है। तो स्टार्टअप करने से पहले आपको क्या करना है कि इधर अभी स्टार्टअप करेंगे, तो फिर आप पुशबैक भी कर लेंगे। तो पुशबैक करने से पहले आपको फ्लाइट को लेफ्ट की ओर लेना है कि राइट की ओर लेना है, वो आपको पता चलेगा रनवे किस साइड में आपका। तो वो देखने के लिए आपको इधर जो है ग्लोबल मैप इधर क्लिक करना होगा। इधर क्लिक करने के बाद आप देख लेंगे कि आपका एयरक्राफ्ट अभी इस पोजिशन में। ओके, तो आपका रनवे इधर है, रनवे नंबर 14। ओके, 14। तो उसके बाद आपको क्या है कि पुशबैक करते हुए आपको आपका फ्लाइट जो लेफ्ट की ओर लेना है, तो फिर आपका जो नोज़ है, वो नोज़ राइट साइड में हो जाएगा रनवे का। और फिर आपको इधर आप किसी भी वे पॉइंट से चल सकते हैं, जो आपके हिसाब से ईजिली हो। खैर, पहले की जब पहले अपडेट आता था, उसमें क्या है कि आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि इस तरीके से आपको जाना है। तो अभी तो वैसा कुछ नहीं है, अभी आप जैसे चाहे वैसे देख लाइन से, ऑफकोर्स लाइन से आपको चलना पड़ेगा, टैक्सी लाइन से, फिर आप रनवे तक रीच कर सकते हैं। तो अभी हमको लेफ्ट जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर बीकन लाइट्स ऑन करना है। तो बीकन लाइट्स ऑन करने के लिए आपको अभी जाना है बीकन लाइट्स, ये रहा। ओके, तो हमने ऑन कर दिया है, तो ऑन हो चुका है, अभी हमने टिक दे दिया इधर। उसके बाद आपको इंजन टू ऑन करना है। इंजन टू ऑन करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट सिस्टम में से इंजन में जाना है और इंजन टू को ऑन करना है। सबसे पहले इंजन टू ही ऑन होगा,
फिर आपको इधर टिक देना है। और अभी आप ATC के साथ बात करके इधर जो पुशबैक का परमिशन मांग लीजिए। ग्राउंड रिक्वेस्ट पुशबैक, पुशबैक अप्रूव्ड एट ऑन डिस्क्रिशन। तो अभी हम पुशबैक का परमिशन मिल जाएगा, उसके लिए हमें सबसे पहले APU ऑन करना है क्योंकि अभी हम ग्राउंड पावर को छोड़ने वाले हैं। तो APU हमारा ऑन होने वाला है, तो ऑन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि ग्राउंड फ्लोर को बंद करना है, AC ऑफ करना है, उसके बाद पुशबैक। तो इंजन टू हमारा ऑन हो चुका है कि नहीं देख लेते एक बार। हो चुका है, अभी हमें इंजन टू इंजन वन को ऑन करना है, अगर इधर टिक कर देना है। और साथ ही साथ आपको जो है फ्लाइट को पोजीशन पे लाना है। ओके, तो गाइस फ्लाइट जो हमारा वो पोजीशन पे आ चुका है। और ये जो आपको पीली कलर का एक लाइन देख रहे हैं, ये टैक्सी लाइन है। आपको इसी की सहायता से आपको रनवे तक जाना है। ओके, उसके बाद आपको चेकलिस्ट में क्या किया, देखिए इंजन ऑन हो चुका है हमारा, अभी आपको APU को ऑफ कर देना है। तो अभी हमें APU को जाना है, APU ऑफ, डन। उसके बाद आपको ATC के साथ परमिशन लेना है टैक्सी करने का, तो ले लेते हैं। रिक्वेस्ट टैक्सी, टैक्सी टू होल्डिंग पॉइंट रनवे 14। रोजर, टैक्सी टू होल्डिंग पॉइंट रनवे 14। तो परमिशन मिल चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पे करना है चेकलिस्ट। उसके बाद आपको ICU ऑन करना है, ICU ऑन करने के लिए आपको वही एयरक्राफ्ट फिश में क्लिक करना है, ICU को ऑन कर देना है। उसके बाद टैक्सी लाइट ऑन करना है, और टैक्सी लाइट वगैरह नेबुलाइट तो ऑन करना ही है गाइस। ओके सॉरी, तो गाइस टैक्सी लाइट आप तभी ऑन करिएगा जब आपको रात में आप टेक ऑफ करेंगे, तो सर टेक ऑफ या टैक्सी जो भी हो रात को करेंगे तो तभी हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और नेव लाइट ऑन कर देना है आपको, ऑन हो चुका है। और ये नेविगेशन लाइट है। ओके, उसके बाद आपको जो है बिफोर टैक्सी दिखाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। और ये बिफोर टेक ऑफ, तो मतलब इससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, जब आप रनवे पे होंगे तो फिर ये सब चेकलिस्ट कंप्लीट करना है। तो अभी आपको क्या करना है कि टैक्सी करते हुए रनवे की ओर जाना है। अपने अपने देखिए कि रनवे के लिए कौन सा रूट आपको लेना है इस साइड से, इस साइड से। तो मैं जो है अभी इस साइड से चलूँगा, देखिए मैं जो अभी इधर से लेके इधर तक होके ये रनवे क्रॉस करके इधर से लेके इधर तक मैं इस रनवे तक पहुंच जाऊंगा। ओके, और उससे पहले आपको क्या करना है कि इधर पैसेंजर अनाउंसमेंट कर देना है, जैसे कि आपको क्या करना है कि सेफ्टी ब्रीफिंग जो डेमोंस्ट्रेशन होता है वो इधर चल जाएगा सेफ्टी का, तो आप वो सब चला सकते। तो मैं भी चला नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा हो चुका ऑलरेडी। दूसरे पार्ट में मैं आपको लैंडिंग का दिखाऊंगा, अभी मैंने जो आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल का दिखा चुका हूँ, और फ्लैप्स वगैरह वो सब कुछ हमारा जो है रनवे के उधर जाके कंप्लीट होगा। तो चलिए मैं अभी टैक्सी कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज अभी आपको क्या करना है कि ये है होल्डिंग पॉइंट, ठीक है, रनवे के अंदर जाने से पहले ये होल्डिंग पॉइंट है। और अगर रनवे खाली है तो फिर आप रनवे तक भी अलाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि आपको ATC के साथ परमिशन लेना है। परमिशन कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप प्रो यूज़र नहीं है तो फिर आप बिना परमिशन लेके भी डायरेक्टली टेक ऑफ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो परमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है कि कमांड सिस्टम ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको जाना है ATC के टैब में, मतलब आपको इधर होल्डिंग पॉइंट वाला जो है इसमें टैप करना है। होल्डिंग पॉइंट रनवे 14। कांटेक्ट टावर ऑन 118.100। रोजर, कांटेक्ट टावर ऑन 118.100। ओके, तो अभी हमें जो ग्राउंड ने बोला कि टावर के साथ बात करने के लिए, तो उससे पहले उसके लिए हमें क्या करना है कि बैक में क्लिक करना है। और ये देखिए इधर एक और टैब है मुंबई टावर का, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर डिपार्चर जो भी हमें डिपार्चर करना है, इसमें टैप करके देखिए। टावर, गुड डे, होल्डिंग पॉइंट रनवे 14, रेडी फॉर डिपार्चर। विंड 029 डिग्रीज 1 नॉट्स, क्लियर फॉर टेक ऑफ रनवे 14, रिपोर्ट लीविंग 3000 फीट। क्लियर फॉर टेक ऑफ रनवे 14, call you back passing 3000 feet. ओके, तो हमें परमिशन मिल चुका टेक ऑफ करने का। ओके, तो रनवे नंबर 40 पे ही हम लोग देख सकते हैं आप।
तो उसके बाद हमें चेकलिस्ट देखना है कि चेकलिस्ट पे क्या क्या है। तो उसके लिए आपको चेकलिस्ट वाले टैब में जाना है और इधर देखिए, इधर बिफोर टेक ऑफ का ऑप्शन आ चुका है। इधर आपको क्या करना है कि स्ट्रॉब लाइट ऑन करना है। स्ट्रॉब लाइट हमने ऑन कर दिया स्ट्रॉब लाइट। उसके बाद आपको टेक ऑफ फ्लैप सेट करना है 1+F या फिर 2 में। तो हम इधर जो टेक ऑफ फ्लैप है 1+F में सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये फ्लैप जो नीचे हो रहा है तो डन। उसके बाद कैबिन क्रू एडवाइस, मतलब कैबिन क्रू को बताना कि प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ। वो जो मैंने आपको बताया था ये वाला ऑप्शन जो है प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ वाला, ये अभी काम आएगा। ओके, उसके बाद आपको फ्लाइट कंट्रोल चेक करना है कि सब कुछ आपका सही से है कि नहीं। जैसे कि आप इधर पॉज करके इधर कैलिब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मोबाइल को पहले सही कर लीजिए कि आपको कैसे मोबाइल टेक ऑफ करने के बाद रखना है। अगर आप मोबाइल को टेढ़ा वेगा करेंगे तो फिर आपका जो फ्लाइट टेक ऑफ हो नहीं पाएगा सही से, इधर उधर इधर हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल को एकदम स्टेडी रख के कैलिब्रेट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कैबिन लाइट ऑफ कर देना है। अगर आप रात में टेक ऑफ करें तो फिर कैबिन लाइट में जाना है। कैबिन लाइट ये रहा, इधर आपको कैबिन लाइट को ऑफ, तो मेरा अभी ऑफ ही है, तो डन। उसके बाद आपको रनवे पे जाना है। रनवे पे जाने के लिए आपको वैसे ही जाना है जैसे आप टैक्सी करते हैं वैसे। और हाँ गाइस, टैक्सी के टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल से फॉलो करना पड़ता है। तो आपको रनवे के एकदम बीचों बीच जाना है, उसके लिए आपको कॉकपिट में जाना पड़ेगा। कॉकपिट व्यू में आ जाइए, और जैसे कि अभी का जो आर एफ एस में अपडेट आया उसमें आप कॉकपिट का जो है वो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हाइट विड्थ वगैरह सब कुछ। तो वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे अभी, क्योंकि आर एफ एस में 1/20 बहुत ही बकवास लगता है इधर। तो देखिए हमने अलाइन कर लिया रनवे। और अगर आपको एक ईजीली बताओ तो फिर आप रनवे की सीधा सीधे कैसे कर सकते हैं, आप इसमें एयरक्राफ्ट सेटिंग में आ जाइए, यानी कि ऊपर सिस्टम में आ जाइए, फिर इधर जो है होड HUD पे क्लिक कर लीजिए। करने के बाद इधर जो मैंने आपको ये बताया था ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इसको एकदम सीधा सीधे रखिए रनवे को, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए हमारा सीधा नहीं है, तो फिर हम एयरक्राफ्ट को देखते हैं बाहर से। तो देखिए एयरक्राफ्ट भी सीधा नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा करने के लिए एकदम एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे चला के रनवे के सही पोजीशन पर लाना है। एकदम ये जो लाइट देख रहे हैं बीच में, इस लाइट के बीचों बीच ला के रखना है फ्लाइट को। स्पीड स्लो रखिएगा वरना टेक ऑफ ही हो जाएगा। तो ये हमारा भी जो सीधा सीधी हो चुका है, ठीक है। और ब्रेक सेट कर दे रहे हैं, तो अभी देखते हैं। ओके गाइस, अभी सीधा ये बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत इधर हो ही जाएगा, कोई नहीं टेक ऑफ के टाइम। अभी आपको क्या करना है, चेकलिस्ट पे क्लिक कर देना है। चेकलिस्ट में बिफोर टेक ऑफ तो लैंडिंग लाइट ऑन करना है। लैंडिंग लाइट का काम बाकी आ गया, तो ये लैंडिंग लाइट हमने ऑन कर दिया है, सॉरी नॉट टैक्सी, लैंडिंग लाइट। उसके बाद अगर आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, फिर ना भी कर सकते हैं दिन के वक्त भी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि आफ्टर टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ करने के बाद है सब कुछ, अभी कुछ नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ बता रहा था कि एडजस्टमेंट वगैरह, तो एडजस्टमेंट के लिए आपको ये कैमरा वाले पे टैप करके रखना है। तो कॉकपिट सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर जो वर्टिकल, अब इसमें अगर ऊपर कर करेंगे तो फिर ये देख सकते हैं कि इसका जो कैमरा एंगल है वो ऊपर की ओर हो रहा है, ठीक है। आप जितना आपकी मर्जी उतना तक हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए, तो डन। और अगर आप चाहे तो ये HUD को ऑन करके भी आप इधर टेक ऑफ कर सकते हैं, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि टेक ऑफ करने के लिए मैं आपको टिप देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आप इंजन में लेके आइए, इंजन में लाने के बाद इधर इंजन 1 इंजन 2 में N1 देखिए जो भी पावर है वो 20% है अभी। तो आपको 40 जब होगा तब आपको फुल थ्रॉटल देना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो थ्रॉटल देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसको 25 में लाइए, 25% तक लाइए। हाँ, ब्रेक आपको छोड़ना है ज़रूर, और मोबाइल को एकदम स्टेडी रखिएगा, मैं आपको बता दूँगा। तो देखिए अभी 39 हो गया, 40, ये 40 हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि थ्रॉटल को एकदम फुल 100% कर देना है, और जब ये बोलेगा V1 तो फिर आप रेडी हो जाइए टेक ऑफ करने के लिए। और जब ये बोलेगा √8 तब आपको फोन को आपके ओर खींचना है, ऊपर से नीचे की ओर। ओके,
गाइस हो चुका है अभी टेक ऑफ। अभी मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, अभी कुछ स्टेप वगैरह दूंगा इधर, जो कि अभी बताया नहीं था। तो अभी भी क्या करना, पॉजिटिव रेट हो चुके तो फिर आपको गियर अप कर देना है, और इधर ए बी पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एन ए बी में ऑन कर देना है नेविगेशन पे। तो एयरक्राफ्ट भी अपने हिसाब से चलता रहेगा नेविगेशन पर, जो भी इधर सिस्टम होगा फ्लाइट प्लान उसके हिसाब से। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इधर कुछ भी चलाने नहीं करना है, जो भी है फ्लाइट अपने हिसाब से चलेगा। अभी मैं आपको जो बता रहा था, पहले मैं साउंड बंद कर देता हूँ। ओके, तो जैसे कि मान के चलिए कभी कभार क्या होता है कि स्पीड के कारण जो है एयरक्राफ्ट में जो साउंड आता है, जैसे कि 18 नॉट्स फिर V1 V2 रूटेड वगैरह जो भी आता है वो नहीं आता है, तो आपको वो कैसे फॉलो करना है। तो इधर आप स्पीड में देखेंगे, ग्राउंड स्पीड जब 140 नॉट्स हो जाएगा आपका तो फिर आप टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि बताता नहीं है, ओके, तो ये कभी कभार एरर हो जाता है गाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोग वीडियो में कमेंट कर रहा था पिछले वाला वीडियो में कि रोटेट कैसे करना है, तो गाइज रोटेट आपको वैसे करना है जो आपका फ़ोन है, फ़ोन को ऊपर जिधर आपका ऊपर का पोजीशन है, ऊपर के पोजीशन को आपको नीचे की ओर खींचना है, ठीक है। जब मैं आपको ये वीडियो एक एनिमेशन दिखा दूंगा, आपको वैसे रोटेट करना है, ठीक है। साइड में आप देख सकते हैं, वैसे फ़ोन को लेके नीचे की ओर करेंगे तो फिर आपको रोटेट हो जाएगा, ओके, आराम से हो जाएगा। और रोटेट आपको जो एकदम फटाफट से नहीं करना है, आपको आराम से धीरे धीरे ऊपर करना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। और उसके बाद हाँ, फ्लैप्स तो मैं भूल ही गया था। तो ये फ्लैप्स देख रहे हैं, फ्लैप्स का आपको एक एक करके आपको ऊपर करना है। तो अभी 1+F है तो अभी हमें 1 कर देना है, तो फ्लैप्स धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा। और फटाफट अगर आप एक साथ करेंगे तो फिर आपका जो एल्टीट्यूड लूज़ हो जाएगा, मतलब या तो फ्लाइट ऊपर चला जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी, या फिर फ्लाइट जो नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, मन के चलिए 10 सेकेंड का गैप रखिए, तो 10 सेकेंड हो चुके करीब, तो हमें क्या करना है कि फ्लैप्स को 0 कर देना है, डन। और ये देखिए अभी हमारा फ्लाइट का एल्टीट्यूड कितना है, जो कि 2100 है। और अभी आपको क्या करना है कि देखिए नेक्स्ट हमारा फ्लाइट कब चेंज होगा पोजीशन इसका, तो वो है 5.5 माइल के बाद, ओके, तो देख सकते हैं। और आपको ये सीट बेल्ट वगैरह कब ऑफ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो जैसे कि मान के चलिए आप देखिए एक चीज़ कि जैसे मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लाइट बहुत ही जल्दी ये पोजीशन चेंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी पोजीशन चेंज होगा, फिर यहाँ तक भी पोजीशन चेंज होगा, उसके बाद जाके थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत बहुत ही ज़्यादा पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इधर तक आप अगर सीट बेल्ट ऑन कर देंगे तो एक रियलिस्टिक में बता दो, तो बहुत ही एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही साइड से जो है एकदम साइड हो जाएगा पूरा एकदम, तो जो कि हमें नहीं चाहिए। आपको सीट बेल्ट अगर आप देखेंगे तो फिर तभी ऑफ किया जाता है सीट बेल्ट जब फ्लाइट सीधी सीधी चलता हो, तो ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट टेक ऑफ कर ले, मतलब कर गए आप उसके बाद सीट बेल्ट ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वेट करना है, उसके बाद आप चाहे तो सीट बेल्ट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ इस पोजीशन पर आ जाएंगे तब आप सीट बेल्ट ऑन कर दीजिए, करने के बाद आपको जब सीट फ्लाइट अपने हिसाब से देखिए, जैसे ये भी राइट साइड में मूव हो रहा है, तो अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप जो है सीट बेल्ट को दोबारा ऑन कर सकते हैं, मतलब ऑफ कर सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए अभी हमारा फ्लाइट जो ईस्ट साइड से लेकर इधर तक आएगा तो कितना डिस्टेंस इधर हो रहा है देखिए नीचे, 15 माइल का। उसके बाद यहाँ से यहाँ जितना आएगा वो भी दिख जाएगा, फिर यहाँ तक भी जितना माइल होगा वो भी दिख जाएगा। और आपको कंप्लीट देखना तो फिर इधर FMC में क्लिक करेंगे तो फिर यह आप देख मैं आपको कुछ बता दूँगा। ऐसे मान के चलिए ये जो एक आ रहा है VEVA तक, यह अभी 14 माइल बाकी है, फिर उसके बाद जो आएगा वो 13 माइल का, फिर 12 माइल का, फिर 19 माइल का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बीसेट तक, यहाँ तक 165 माइल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 165 माइल मतलब रियल टाइम में देखेंगे तो फिर आपको 15 से 20 मिनट तक लग सकता है, तो इतना टाइम सीट बेल्ट में कौन बैठेगा, है नहीं गाइस। तो आप चाहे तो तब सीट बेल्ट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा जब फ्लाइट इधर पोजीशन चेंज होगा तो आप फिर सीट बेल्ट को ऑन करके फिर दोबारा कंप्लीट होने के बाद बंद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइस बेसिक सा सेटअप। और एक ट्रिक अगर मैं आपको बताऊँ, तो जैसे कि मान कर चलिए जल्दी अगर आपको पहुँचना है तो इधर ये जो आपको दिख रहा है नेक्स्ट वे पॉइंट, आप भी वही सेट कर लीजिए जैसे मैंने सेट कर रखा है। ये अभी 11 माइल कुछ है, तो फिर आपको क्या करना है कि APP वाला इसमें ऑन कर देना है। अभी ऑटो पायलट में नहीं है, अभी नेविगेशन के हिसाब से फ्लाइट चल रहा है। ये जो स्पीड वाला देख रहे हैं आप, स्पीड को ऑफ कर दीजिए, करने के बाद थ्रॉटल को फुल कर दीजिए, तो क्या आएगा कि फ्लाइट जो ओवर स्पीड चलेगा, तो फिर आप जल्दी पहुँच जाएंगे ऑफकोर्स।
और जब ये कम से कम 8 माइल बाकी होगा फ्लाइट का पोजीशन चेंज होने के लिए, तब आप जो है इसका स्पीड जो है वो नॉर्मल कर दीजिए। तो एयरक्राफ्ट जितनी स्पीड में चाहेगा तो उसकी उसी स्पीड में चलता रहेगा। फिर आप देख सकते हैं कि स्पीड इधर कम हो रहा है, ठीक है, आप मेरे नीचे ग्राउंड स्पीड देखिए वो कम हो रहा है, ओके। तो उस हिसाब से आप अगर मान के चलिए जितना भी बड़ा ये फ्लाइट घूमने वाला हो, आप जितना भी आए 5 या फिर 6-7 माइल पहले ही इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। उसके बाद ये हो गया हेडिंग, ये हेडिंग इसको मत छेड़िएगा आप, इसको छेड़ेंगे तो फिर फ्लाइट आप जिस पोजीशन में चाहेंगे उस पोजीशन पे ही मोड़ेगा, फ्लाइट अपने हिसाब से नहीं जाएगा, तो इसको आप मत छेड़िएगा बिल्कुल भी। एल्टीट्यूड में छेड़खानी कर सकते हैं, एल्टीट्यूड में क्या है कि 7000 फीट तक की लिमिट है, तो आप चाहे तो इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं इधर कर देता हूँ 40,000 फीट या फिर 36 जितना भी आपकी मर्जी है, आप उसी हिसाब से कर सकते हो, तो फ्लाइट जो है अपने हिसाब से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, और सीट बेल्ट आप या फिर चेकलिस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आफ्टर टेक ऑफ तो हमने पॉजिटिव रेट में गियर अप कर लिया था, उसके बाद फ्लैप सारे हमने कंप्लीट कर लिया 210 नॉट्स में। उसके बाद जो है क्लाइंब आउट, इसमें आपको क्या करना है कि 10,000 फीट के नीचे आपको 210 स्पीड से स्पीड तक नहीं जाना है नॉट्स, तो अगर आप मानना चाहते हो मान सकते हैं, मैं तो नहीं मानता गाइस फिर भी। उसके बाद लैंडिंग लाइट्स को ऑफ कर दें। चेकलिस्ट बहुत ही ईजी है, RFS में नया अपडेट आया था ये, तो लैंडिंग लाइट्स हमारा ऑफ हो चुके अपने आप ही, तो ओके कोई नहीं। फास्ट एंड सीट बेल्ट साइन ये भी आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है गाइस, जो मैंने आपको बताया था, तो मैं भी ऑफ नहीं कर रहा इसको। ICE आप ऑफ कर दीजिए, ये ICE का ऑप्शन था, मैंने ऑफ कर दिया इसको। फिर कैबिन लाइट्स को भी अगर चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं रात का टाइम है, तो अगर दिन का टाइम है तो फिर इसको छोड़ दीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर ये हो गया क्रूज़ एंड डिसेंट, तो आपको कैबिन लाइट्स ऑफ रखना है, ये तब आप करना है जब आप डिसेंट करेंगे, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका तब। तो गाइस अभी देखिए मैं आपको एक बताते गलती इधर हो गया है कैसे, तो जैसे कि देखा था आपने कि इधर जो फ्लाइट चेंज होने का पोजीशन था, ये देख सकते हैं फ्लाइट पोजीशन चेंज हो रहा है और स्पीड मेरा लिमिट में, अच्छा गलती नहीं हुआ था, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, स्पीड मैंने लिमिट में कर दिया था। और अगर आप स्पीड इसको लिमिट में नहीं करते तो स्पीड जो इसका मैक्सिमम रहता, मैक्सिमम रहने के टाइम क्या होता कि फ्लाइट जो है इंजन की वजह से फ्लाइट आगे जा रहा है और आपको फ्लाइट को राइट में लेना है, तो फ्लाइट इधर होके निकलेगा, ये जो आप देख रहे हैं फ्लाइट इधर है, अगर आप स्पीड नॉर्मल रखते तो फिर फ्लाइट अभी जैसे जा रहा है वैसे जा रहा था, और अगर आप इसको स्पीड फुल रखते तो फिर ये इधर ऐसे होके ऐसे आता, जैसे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसे होके ऐसे आता। तो जब आप पास में आने वाले हो चेंज होने के पोजिशन चेंज होने के टाइम, तो आप इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल रखिएगा, ओके। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, वीडियो काफ़ी लंबा है, अब मैं एडिटिंग करके देखूंगा कितना हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो देख सकते कि 40 मिनट हो गए कम से कम। तो गाइस बस इस वाले वीडियो में इतना ही, और दूसरे पार्ट में मैं आपको लैंडिंग का और डिसेंट का बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।